हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं अंकिता और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 10:30। मैं जल्दी उठ गई थी, ऐसा नहीं है कि अभी उठाओ सेल पर आई, उन्होंने सारा काम वाम कर लिया और अब मैं थोड़े से कुछ काम कर रही थी, वो काम भी ख़त्म कर लिया। मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट करूँ और ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका और मुझे भूख भी लगी है और मैंने थोड़ी प्रिपरेशन भी कर ली है। तो आज मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ रवा डोसा। जी हाँ, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के सामने ही अपने ये नया डोसा बनाऊं, देखूं कैसा बनता है। तो मेरा पैन बिल्कुल गर्म हो चुका है, लेट्स सी। देख रहे हो, आई थिंक यू कैन सी दिस, पूरा ऐसा उसमें से ना निकल रहा है, कुछ हीट निकल रहा है। तो गर्मा गर्म पैन पे डालते हैं डोसा। आई थिंक ये गोल नहीं बनेगा, मतलब ऐसा प्रॉपर गोल सा डोसे जैसा नहीं बनेगा, बट ये बुरा नहीं बनेगा, ठीक बनेगा मेरे ख्याल से। डोसा बनेगा, डोसा नहीं बनेगा तो चिल्ला बनेगा, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। और ये है हमारी चटनी। इसमें मैंने डाला है ये चटनी मैं बहुत दिनों से बना रही हूँ। इसको मैं रवे के ढोकले के साथ भी खाना प्रेफर करती हूँ, रवे की इडली के साथ भी और दाल चावल के इडली के साथ भी। तो ये बन रहा है हमारा क्रिस्पी सा मस्त सा डोसा। अब पता नहीं बन के कैसा आएगा, बट देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है गाइस। तो ये रहा हमारा डोसा और ये सही टर्न आउट हुआ, लाइक अच्छा है ये। मतलब हम फेल नहीं हुए हैं डोसा बनाने में, नाइस। मैंने खा लिया अपना डोसा और डोसा काफ़ी अच्छा बना था, लाइक यू नो जैसा मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था सही था। थोड़ा और क्रिस्पी कर सकते थे बट ठीक है, मुझे पता चला कि थोड़ा और पानी ऐड करना है। तो आज मैंने सीखा रवा डोसा बनाना, अच्छा था काफ़ी। और अब बारी है चाय की, गर्मा गर्म चाय को कैसे हम भूल सकते हैं, बट हाँ मैं डोसे के तुरंत बाद चाय नहीं पीती हूँ, थोड़ा 10-5 मिनट वेट करके। और ये वाली जो वॉल दिख रही है ना, ये वाली, इसको मुझे बहुत दिनों से डेकोरेट करना है, मैं सोचा हुआ है। मैंने ये तो मंगाए थे मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह, तो वो तो मैंने लगा दिया है, बाकी कुछ लीव्स मंगा रखी हैं। तो आज चलो साथ में आज इसको भी डेकोरेट करेंगे। अभी ये तो ऐसे ही लगा रखा है, तो लीव्स लगी हुई है ना, ये ऐसे ही बस अटका हुआ है, इसको ये लगा नहीं हुआ है, परमानेंट फिक्स नहीं है, ये बस ऐसे ही लगा है। तो आज ये वॉल अगर टाइम मिला तो आज ये डेकोरेट करेंगे। कैन यू सी बैक साइड, मैंने बोला था ना मुझे करना है तो मैंने ये किया है। अब मुझे पता नहीं है ये अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है। और अब टाइम हो गया था लंच का, तो कल का पुलाव बचा हुआ था, मैंने उसको थोड़ा गर्म कर लिया, बिकॉज यार मैं बहुत, ये पता है ये 100 ग्राम पुलाव है, बस थोड़ा वेट वेट करके खा रही हूँ। अब कितना, मैंने इसको गर्म कर लिया अपने लिए फ्रिज से निकाल के, और ये पता है इतना पुलाव बचा हुआ था कि 100 ग्राम लेने के बाद अभी पुलाव बचा हुआ है, उसको ऑब्वियसली फेंकना पड़ेगा। यहाँ पे डॉग्स वगैरह या फिर कोई भी नहीं है, कोई जानवर वगैरह भी नहीं होते कि उनको खाना दे दो, यहाँ पर खाना बचता है तो या तो आप खाओ नेक्स्ट डे, वरना आपको डस्टबिन में डालना पड़ेगा। और यू नो मुझे इतना बुरा लगता है खाना डस्टबिन में डालना, मतलब क्या ही करूँ यार, कितना कम कोई बनाए बच ही जाता है, मोस्टली बच जाता है, क्या ही बताऊँ मैं। पुलाव मुझे आज कल पैनकेक का, मतलब पैनकेक की बहुत क्रेविंग हो रही है, वापस से मुझे पैनकेक खाने का मन कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ ये खा लूँ, शाम तक बना लूँगी। और पता है मैंने मॉर्निंग में नहाया इसलिए नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा मैं स्किन केयर करूँगी, थोड़ा मास्क वगैरह लगाऊँगी, कुछ भी नहीं किया मैंने, ये खा के कर लेती हूँ। पता है अभी मैं कुछ काम कर रही थी बट मुझे पैनकेक खाने की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि मैंने अपना काम छोड़ा। मैंने सोचा पहले पैनकेक खाते हैं फिर कुछ करेंगे, अब मैं और ज़्यादा लेट का वेट नहीं कर सकती हूँ कि थोड़ा शाम हो जाए तब खाऊँ, पहले पैनकेक बनाते हैं फिर कुछ करेंगे। चलो देखो, उतना पुलाव था उसमें से मैंने 100 ग्राम निकाला बट इतना फिर भी बच गया, अभी ये फेंकना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं इसका।
मैंने सोचा थोड़ा सा गुड गर्ल बन जाते हैं, पहले थोड़ा जो भी करना है, नहाना वाना है नहा वहा लेते हैं, फिर खाते हैं पैनकेक। तो ये मैं अपना स्किन क्लीन करूँगी इससे। वैसे तो फेस क्लीन ही है, कुछ भी नहीं लगाया है। ये बहुत अच्छा होता है, अगर आप मेकअप वगैरह करते हो ना, तो मेकअप वेकअप रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा क्लिंजिंग मिल्क या फिर बाम कुछ भी लगाओ उसका, जिससे ऐसे ही क्लीन कर लो। क्लीन हो गया, अब मैं लगाऊंगी O3 का डिटैन। मैं ऐसे पार्लर वार्लर या फेशियल वगैरह नहीं कराती हूँ कभी भी, बिकॉज मेरे स्किन पे वैसे ही पिंपल हो रहे हैं आजकल, और वैसे पहले भी नहीं कराती थी। स्क्रब वगैरह भी मैं बिलीव नहीं करती हूँ स्क्रब वगैरह पे, और कोई डर्मेटोलॉजिस्ट भी रेकमेंड नहीं करता है। मतलब हार्ड स्क्रब जैसे घर में बेसन वेसन ठीक है, बेसन वेसन इज़ लाइक सॉफ्ट होता है, जो मार्केट में मिलते हैं ना मोटे वाले पार्टिकल जैसे एवरव्यूथ वगैरह का, मैं उसको नहीं प्रेफर करती हूँ। अब मैं इसको अच्छे से, मेरे पास ब्रश नहीं है अभी, एक्चुअली ब्रश छूट गया घर पे, दूसरा लेके नहीं आ पाई, भूल जाती हूँ जब भी जाती हूँ तो, बट ले आना है। उससे इवनली स्प्रेड होता है पूरे स्किन पे। अच्छे से लगाऊंगी मैं इसको। ये देखो, मैंने मस्त फेस पैक वगैरह रिमूव करके नहा वहा लिया, और अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। और मैंने जो ये लगाया था ना ये वॉल पे, डिड यू रिमेम्बर, पहले क्या था ना कि ये यहाँ पे बड़ा हॉच पॉच सा लग रहा था, तो मैंने इसको भी थोड़ा ठीक किया है। ओहो, इसको भी अभी होना था, इसको मैंने डबल टेप से लगाया है। ओके, तो आई थिंक अब बेटर लग रहा है। ये वीडियो में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट ये सामने से एक्चुअल में अच्छा लग रहा है। हाँ, और ये सब इतना छोटा दिख रहा है, बट ये एक्चुअल में इतना छोटा है नहीं लुक। और मैंने मेरे माइक पे थोड़ा सा फेस पैक लगा लिया गलती से। ओह गॉड, एक तो यार ये वेट गेन क्यों होता है, मैं नूडल्स नहीं खा सकती, मुझे इतना मन हो रहा है नूडल्स खाने का। नो, गंदी बात, नो नूडल्स, हेल्दी है, वी हैव टू ईट हेल्दी, घर का खाना। थोड़ी तो भूख लग रही है, चाय पी लूँ क्या, चाय के साथ कुछ खा लेती हूँ। चाय पीती हूँ और पहले डिसाइड करती हूँ कि क्या खाना, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। दिस पैनकेक इज सो फिलिंग, सो हेल्दी एंड सो सेटिस्फाइंग, लिटरली आई एम टेलिंग यू। गाइस, ये रहा मेरा पैनकेक। ये चटनी है ऐसे ही, इसके पैनकेक के साथ नहीं खाना, ऐसे ही खाना है। और अब मैं खाऊंगी, मुझे बहुत टेस्ट लगता है पैनकेक, लिटरली मैं बता रही हूँ, आजकल तो मुझे प्यार हो गया पैनकेक से। थोड़ा सा हनी है। हमारे घर में सब्जियां खत्म हो चुकी हैं, और हम सैटरडे संडे सब्जी लेने गए नहीं हैं। हम मोस्टली अपने जो सब्जियां वब्जी खरीदनी होती है ना, वो वीकेंड्स पे आ जाते हैं, या तो सैटरडे या तो संडे, बट इस बार हम दोनों गए ही नहीं। संडे बाहर चले गए, सैटरडे कहीं नहीं गए। तो अब रजत ऑफिस से आए थे, मुझे उन्होंने बोला कि बाहर आ जाओ, चलते हैं सब्जी लेने। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे सब्जी लेने, चलो चलते हैं। मेकअप वेकअप नहीं किया मैंने बिल्कुल भी, मतलब मेकअप तो क्या, मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन वगैरह भी नहीं लगाया है। सनस्क्रीन तो इस टाइम क्या, मतलब मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाया है। ये देखो गाइस, आ जाओ, तो आपको देख लेना चाहिए था, इतने ज्यादा ट्रैफिक है। कहीं तो मिल जाएगा जहाँ, हाँ
वही वहां पे ना खड़ी हो सकती थी गाड़ी, बट वहां पे पीछे कार वाला देखिए ये मंडी। हाँ चलो यहाँ पे भी देखते हैं, मुझे तो लग रहा है ये वही वाली मंडी है, ये लोग हर जगह लगाते हैं। हाँ यार वो वाले अंकल यहीं पे हैं। कहीं भी गाड़ी लगाने की जगह ही नहीं थी, तो फिर रजत चले गए, उन्होंने मुझे उतार दिया। उन्होंने मुझे बोला कि तुम तब तक सब्जियाँ वब्जियाँ ले लो, अब मैं यहाँ पे सब्जी ले रही हूँ अकेले, फर्स्ट टाइम, वो भी नई वाली मंडी में। ओह गॉड, इतनी मंडी में इतनी ज़्यादा भीड़ ही है। ठीक है, पाव एक पाव देना। हाँ आधा किलो, आधा डाल दे इसको ना। मुझे भी दे दो। ये तो गंदा होता है, इसमें होगा भी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और अभी बज रहा है सुबह के 10। आज मैं 9:30 बजे सो के उठी, फिर उठने के बाद थोड़ा सा मैंने ग्रीन टी वगैरह पिया, फिर मैंने सोचा कि बहुत लेज़ी फील हो रहा था, उठने के बाद भी ऐसा लग रहा था मैं अभी भी सो रही हूँ, तो यही चल रहा है दिन, क्या कर सकते हैं। फिर मुझे आया कि मैंने तो व्लॉग एंड नहीं किया, तो सोचा पहले व्लॉग एंड कर लो फिर कुछ और काम करेंगे, बाकी ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर ली है मैंने। तो चलो गाइज, आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करें और मुस्कुराते रहो यार, खुश रहो।